टॉपिक है कलर्स। आज हम बात करेंगे कलर्स की। कलर्स हम अपने बच्चों को किस तरीके से सिखाएं, उसके लिए हम कौन कौन सी वर्कशीट्स दे सकते हैं, या फिर कौन से फन गेम्स हैं जिससे कलर्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। स्टेप वन, जब भी हम कलर्स बच्चों को सिखाने वाले हों तो स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करें एक ऑब्जेक्ट से। सपोज हम ग्रीन कलर की बात करने वाले हैं, तो ग्रीन कलर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट लेंगे और स्टार्ट करेंगे। कैसे? हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉल, राइट? दिस इज अ बॉल। एंड यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस बॉल? This ball is green. The color of this ball is green. Green color, right? This is green color. Green color and a green ball, right? And you know what is this? This is a turtle. And what is the color of this turtle? Yes, this is green, a green turtle. Very good. And you know who is he? He is our friend Froggy. And the color of the froggy is green. Green color. So friends, this was step one. Step number two. जब भी हम कलर सिखाएंगे तो अपने क्लासरूम में या अपने बेडरूम में या जिधर भी आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उधर आप इस तरीके से कुछ शीट्स लेंगे, कलर सभी कलर्स उसमें होंगे, और वो शीट्स आप अपनी वॉल पर, विंडो पर, डोर पर, कहीं भी सभी कलर्स को पेस्ट कर दें। एंड एवरी मॉर्निंग आप अपने बच्चे से पूछें, विच कलर इज दिस? आज आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है? आपके शूज़ का कलर क्या है? आपने हेयर पिन कौन से कलर की लगाई है, राइट? तो इस तरीके से बच्चा अपनी कलर्स को, अपने कलर्स को उन कलर्स की शीट से रिलेट कर पाएगा और कलर की पहचान उसे जल्दी हो जाएगी। ये था स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में हम देखेंगे कुछ वर्कशीट्स, कुछ फन गेम्स और फन एक्टिविटीज जिसके थ्रू बच्चा कलर्स की रिवीजन अच्छे से कर पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कलर्स की वर्कशीट से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है एक क्लाउड शेप, जो कि मैं ब्लू कलर की पहचान के लिए यूज करूंगी। और हम जो भी कलर सिखाना चाह रहे हैं उस कलर की कोई भी एक इमेज बनाएंगे और उसको अंदर से कट कर लेंगे। मैंने ये येलो कलर के लिए वर्कशीट बनाई है। मैंने सन का येलो पार्ट कट कर लिया है। अब हम ये वर्कशीट अपने बच्चे को देंगे और उसे बोलेंगे, ये एक गेम है, हम एक गेम खेलने वाले हैं और आप इसमें येलो कलर सर्च करेंगे और येलो कलर फिल करेंगे। तो बच्चा अपने घर में सभी ऑब्जेक्ट सर्च करेगा येलो कलर के, उसके ऊपर रखेगा, येलो कलर इसमें फिल हो जाएगा। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो वी आर फाइंडिंग येलो कलर, येलो बॉल एंड अ येलो सन, अ येलो फ्लावर पॉट, येलो सन एंड अ येलो फ्लावर पॉट। वाजंट इट अ फन? तो इसी तरीके से आप कोई भी वर्कशीट अपने बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि वो फाइंड करे कलर को। तो चलते हैं आप अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ। दूसरी एक्टिविटी है हमारी कलर मैचिंग। इसके लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है और उसमें इस तरीके से सभी कलर्स को मैंने यहाँ पर कलर्स की डॉट्स पेस्ट की हैं। आप चाहें तो यहाँ कलर भी कर सकते हैं। मैंने पेपर कट करके यहाँ पेस्ट किया है, तो आप यहाँ पर स्केच पेन से भी ये सर्कल्स बना सकते हैं। और साथ में ये गेम खेलने के लिए लिए हैं मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस, जिन पर मैंने यही सेम कलर्स लगा लिए हैं। देखिए इस तरीके से। तो आप अपने बच्चे को ये कलर्स देंगे और बोलेंगे कि जिस तरीके की ये पिक्चर बनी है उसको, उसके ऊपर बच्चा ये पेस्ट करेगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे। सो लेट्स सर्च फॉर द करेक्ट पेयर। ओके,
This is pink and red. Where is the combination of pink and red? Where is pink and red? Here is the color. Look. Very good. Next is blue color and black color. Blue and black. Next is pink and green. Pink and green. Red and blue. Where is red and blue? Here it is. Red and blue. Orange and pink. Orange and pink. आप इसी तरीके से पूरा गेम अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं. ये भी एक मजेदार गेम है जिसमें बच्चा बहुत इंजॉय करेगा. तो चलते हैं अपनी तीसरी एक्टिविटी की तरफ. लेट्स गो. तो नेक्स्ट वर्कशीट में मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और उसके अंदर कलर कर लिया है. अब हमें ये शीट अपने बच्चे को देनी है और बच्चे को बोलना है कि वो करेक्ट कलर मैच करे. जैसे ब्लू विद ब्लू, ब्लू विद ब्लू. आप इतनी सफाई अगर आपसे ना बन पाए तो आप इस तरीके से रफली दो सर्कल ड्रॉ करें और बच्चे को बोले मैच करने के लिए. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज येलो. येलो 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 येलो. इस तरीके से आप ये वर्कशीट भी करा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी तीन वर्कशीट फॉर द टॉपिक ऑफ कलर्स. और अब बारी है हमारे फन टाइम की. और फन टाइम में हम खेलते हैं एक गेम. तो देखते हैं आज का हमारा गेम क्या है. तो मेरे पास है इस तरीके से ये शीट. जिस तरीके से हम लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, उसी तरीके से मैंने एक कलर फन गेम बनाया है. इसमें क्या है, यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक स्टार्टिंग पॉइंट इधर है. तो ये गेम आप अपने बच्चे के साथ खेलें, या आपके दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे आपस में खेल सकते हैं, या फिर आप टीचर हैं तो आप अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को साथ में खिला सकती हैं. तो देखते हैं कैसे खेलना है ये गेम. इस गेम को खेलने के लिए मुझे चाहिए दो बॉटल कैप्स. मैंने यहाँ दो बॉटल कैप्स लिए हैं. अच्छा होगा अगर आप बॉटल कैप्स अलग अलग कलर्स के लें. एक हम इस स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और दूसरी बॉटल कैप जो है वो दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे. तो चलते हैं गेम खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं. एक स्टार्टिंग पॉइंट इधर है और एक स्टार्टिंग पॉइंट इधर है. एक बच्चे को इधर से अपनी टर्न चलनी है और एक को इधर से अपनी टर्न चलनी है. और टर्न चलने के लिए मैंने बनाया है एक डाइस. ये है एक कलर डाइस. कलर डाइस बनाने के लिए मैंने थर्माकोल शीट्स को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट किया है और कट करके कवर कर लिया है. तो ये बन गया हमारा कलर डाइस. तो फर्स्ट टर्न है मेरी. ओहो, इट्स ग्रीन. तो मुझे स्टार्ट करने के लिए चाहिए रेड, पर ये तो रेड नहीं है तो इसलिए टर्न आएगी आपके फ्रेंड की. तो आपके फ्रेंड का कलर आया है ऑरेंज कलर, पर आपके फ्रेंड को तो स्टार्ट करने के लिए चाहिए ब्लू कलर. तो इस तरीके से हम खेलेंगे. देखो ब्लू कलर, तो वो एक स्टेप चलेगा, फिर आएगा ब्लू कलर, तो फिर ब्लू कलर का है यहाँ है, फिर वो यहाँ चलेगा. इसी तरीके से आपको चलना है. जो सबसे पहले फिनिश पॉइंट पर पहुंचेगा वो विनर रहेगा. तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग गेम. सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी कलर्स के टॉपिक पर वीडियो, ये वर्कशीट्स? ये मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक नई एक्टिविटी के साथ. अगर आप कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर.